जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से मैं अवध विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी और अवध विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम गुरुजनों और शिक्षकगणों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा कराने के संबंध में है। सर और मैडम, बिहार में शिक्षक भर्ती की एक योजना जारी की गई है जिसमें अन्य राज्यों को भी मौका मिलेगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को आवेदन करने से पहले बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों से एक स्वीकृति मांगी जाती है कि आप यह स्वीकृति दीजिए कि आपकी बीएड की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 31 अगस्त से पहले पूरी करा ली जाएगी, तभी हम इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इसी संबंध में अवध विश्वविद्यालय के जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, हमें इस बात की स्वीकृति देनी है कि क्या हमारी परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और इस संबंध में हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि क्या हमारी परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम, पिछली बार जो अवध विश्वविद्यालय के बीएड की परीक्षाएं शुरू हुई थी वो 14 सितंबर से शुरू हुई थी, यानी कि इस वर्ष वो परीक्षा को 14 दिन पहले हमें पूर्ण करना पड़ेगा, 31 अगस्त से पहले पूरी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी जिम्मेदार लोगों से अवध विश्वविद्यालय के मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं कि क्या हमें किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, चाहे अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हो, कि क्या हमें एक छोटी सी सूचना मिल सकती है कि हमारी परीक्षाएं संभवतः कब होनी है, कि क्या हम इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती की आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई है, यानी कि थोड़े समय और बचे हैं, और विश्वविद्यालय के ऐसे तमाम बच्चे हैं जो अभी कंफ्यूजन में हैं, जिन्हें ये स्पष्ट नहीं है कि वो आवेदन करें या ना करें। मैं अपने तरफ से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया क्यों जरूरी है और कितना महत्व है। उत्तर प्रदेश में जो आखिरी शिक्षक भर्ती आई थी वो आज से 5 साल पहले थी, और एक बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती आई थी। अब ये बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती सुनहरा मौका बिहार के राज्य के बच्चों को मिला है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के अस्थायी निवासी होने के बावजूद भी अयोध्या के पवित्र धरती पर स्थित अवध विश्वविद्यालय में रह के अवध विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में वो बीएड की पढ़ाई करते हैं। तो अगर किसी कारणवश या सुनहरे मौके से अगर वो वंचित रह जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भी जो विद्यार्थी हैं एक बड़े लंबे समय से शिक्षक भर्ती के इंतजार में हैं, तो बिहार में उन्हें आस और उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो शिक्षक बनके अपना सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके बीएड के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले पूर्ण होनी चाहिए। तो मैं बहुत ही खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सब से कि कृपया अगर आप बीएड की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले करा देते हैं तो मैडम यह एक आभार होगा हम सभी विद्यार्थियों के ऊपर, और आपसे मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर आप बीएड की परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले कराती हैं तो तैयारी या फिर एग्जाम्स, इसकी जिम्मेदारी हम विद्यार्थियों की रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके आशीर्वाद से इस बार का जो रिजल्ट आएगा वो हम अन्य वर्षों से हम बहुत बेहतर कर देंगे, जो भी हमारे पास समय है हम इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर देंगे, और मैं आश्वस्त कहता हूं कि रिजल्ट खराब नहीं होगा, रिजल्ट बहुत बेहतर दे दिया जाएगा। आपके पिछले वर्ष जो भी रिजल्ट आए हम उनसे बेहतर देने की, आपके आशीर्वाद से हम उससे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं। निवेदन करने की खास वजह भी है, मैडम आप अवध विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। अच्छा एक चीज देखिए, संयोज देखिए कि हमारा विश्वविद्यालय अयोध्या के पावन धरती पर विराजमान है, और विश्वविद्यालय का संचालन आप कर रही हैं मैडम, आप कर रही हैं, ठीक है। भगवान ने विद्यार्थियों की देवी किसे बनाया, एक सरस्वती माता को बनाया। भगवान ने सरस्वती माता का स्वरूप एक महिला के स्वरूप में निर्धारित किया, और आप भी एक महिला हैं। ऑनरेबल मैडम, मैं आपके अंदर विराजमान उस सरस्वती से, उस लक्ष्मी से मैं निवेदन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरीके से कोविड-19 के बाद अवध विश्वविद्यालय के तमाम सत्र जो बिखरे हुए थे, जो लेट से चल रहे थे, आपने उन्हें वापस पटरी पे ले आया है, चाहे वो UGPG की एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो BA BSc BCOM की बात करें, MA MSc MCOM की बात करें, अभी जिस तरीके से सत्र वापस पटरी पे आ रहा है, इसी को देखते हुए हम ये आशा लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बीएड के भी सत्र को वापस सही समय पे पूरा कराएंगी। तो 31 अगस्त, जैसा कि अवध विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली भी डिसाइड किया था कि पुराना सत्र 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, उसी डेट पे हम आपसे निवेदन करते हैं। ऑनरेबल मैडम बहुत कृपा होगी, बहुत बड़ा आभार होगा आपके विद्यार्थियों के ऊपर अगर आप बीएड की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 31 अगस्त से पहले पूरी करा देती हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया आएगी, और कम से कम हमें ये बताया जाएगा कि क्या हम आवेदन करें या ना करें, कि क्या परीक्षाएं हो सकती हैं 31 अगस्त तक या नहीं। अगर नहीं हो पाती है तो कुछ कारणवश अगर नहीं भी हो पाती है तब भी हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमें सूचना दे दिया जाता है कि कम से कम बच्चे इस असमंजस में नहीं रहेंगे, वो स्पष्ट हो जाएंगे कि उन्हें आवेदन करना है कि नहीं करना है, और केवल कुछ ही समय बच गया इस आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने में। तो मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं,
कि पहली कोशिश ये करें कि 31 अगस्त तक परीक्षा पूर्ण कराने की कृपा करें। अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम हमें सूचना दे दिया जाए कि किसी कारणवश अगर नहीं हो पाएगा तो हम इस आवेदन में आवेदन न करें, क्योंकि इसकी एक फीस भी जमा होनी है और अगर हमारी परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है तो फिर उसके आवेदन की कोई मतलब नहीं रह जाएगी। शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। जय हिंद। विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि यह वीडियो अवध विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी अधिकारी या शिक्षक गुरुजन हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।